एंड गाइस यार देखो मैं आपको बताऊं, ये जो आप ये पीछे घर देख रहे हो ये मेरी मौसी जी का घर है। और बाकी मैं आपको घर के बारे में बताऊं, बहुत से लोग कमेंट करेंगे मतलब घर कैसा है, हमारे एरिया में तो अलग अलग है। तो यार देखो मैं आपको बताऊं, ये जो मतलब कैंट का एरिया है ना, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमारे मौसी जी को एक होम प्रोवाइड है, तो इसी वजह से थोड़ा देख सकते हो मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा। अंदर से भी आपको दिखाऊंगा अभी जाके, अभी तो और वो मतलब ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो आप जो पहले सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जो स्कूटी देख रहे हो ये तो मौसा जी की स्कूटी है, एंड ये जो बाइक है ये भी मतलब मौसा जी की है। और ये चेयर वगैरह डली हुई है, ये रहा एक फोल्डिंग बेड मतलब पलंग बोलते हैं जिसको। और यहाँ का आप एरिया देख सकते हो, सामने आपको कुछ फौजी लोग दिख रहे होंगे। हाँ भैया लगा रहा, ठीक है ठीक है, ले चाबी इसमें है ना। अभी आ रहा मैं, ठीक है चाबी देकर आ रहा मैं, अभी पतंग उड़ाएंगे दोनों। कुलदीप भैया से हाय। इंट्रोडक्शन देता अपना। हेलो गाइस मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो बहुत बढ़िया पतंग तो उड़ी नहीं रही, तो कह रहा था बहुत पतंग उड़े यहाँ पे। इलजी भाई तो दिख रही मुझे यहाँ पे, देख पेड़ पे रही सामने, इधर वाले पेड़ पे भी है, ऊपर नहीं दिख रही आगे। आगे क्या वहाँ पे कासमपुर में, मतलब कासमपुर साइड है ना परे वाली, तो वो देखो भाई बोल रही। अच्छा किधर किधर किधर, जूम करो जूम 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 जूम। अच्छा हाँ दिख गई भाई, दिख गई, पिक्सल फट गए, पिक्सल फट गया। हाँ यार कोई बात नहीं, चल ठंड हो रही, जब तो इतनी मोटी जैकेट डाल ली मैंने, मैं तो ये भी डाल लिया और टोपा भी पहन लिया। अच्छा बिलोंग मार रहे, जल्दी इतनी हो रही, चाहे ट्रेन आ जाए बीच में। फिलहाल मैं जा रहा हूँ कुलदीप भैया के साथ रजवन में चिली पटेटो खाने। और आपको मैं बताऊँ यार, मुझे मेरठ की सिर्फ दो ही चीज़ें पसंद है, पहला तो चिली पटेटो एंड दूसरा पतंगबाजी। तो फिलहाल अभी चलते हैं, पहले पतंगबाजी तो कल करेंगे, एंड अभी फिलहाल चिली पटेटो खाने चलते हैं एंड दिखाते हैं आपको जैसे भी ब्लॉग होने वाला है, बस ब्लॉग के एंड तक जरूर बने रहना। हाँ जब मन नहीं कर रहा था ना, हाँ चलो मतलब दिन सही है, इस बार सही है। अब इस चीज का डर नहीं है कि मैं खाऊंगा, हाँ खाऊंगा नहीं खाऊंगा, फ्रेश वगैरह होगा ना जब फ्री हो गए, चले जब मन करे। खाना तो मैंने खा ही लिया। हाँ हाँ मेरी फेवरेट, मेरे फेवरेट है ना ये।
बस यही किया भाई। सभी चिली पटेटो तो खा लिए, बहुत ही बढ़िया बना रखे थे भैया ने। और अभी फिलहाल चलते हैं घर, कुलदीप भैया ले रहे हैं गाइस यहाँ पे दूध, वो देख सकते हो आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कुलदीप भैया ले रहे हैं यहाँ पे दूध एंड फिर चलते हैं घर। खेल रहे, मैंने टांग पकड़ के खींच रहा उसकी। गेट लगा रखा अंदर से, हमने दरवाजा बजाया पर दरवाजा मुंह से जीने दिल दिया। आओ चलते हैं, घूम के आए ना, दरवाजा खूब बचा। हाँ, बाहर खड़े खड़े सारी रात गाइस हमें बाहर ही बितानी पड़ी। सही है सही है, खोल दिया। आ जाओ मौसा जी, आ जाओ। मतलब ये करो ना, इधर तू माने मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। Now I am relaxed. बस एक लोअर नहीं ले गया चेंज करने के लिए, बस लोअर नहीं ले गया था चेंज करने के लिए। हाँ नेकर हो ना, नेकर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट है ना रात के टाइम फिर थोड़ा रिलैक्स सा होना चाहिए। लाइट अच्छी आ रही। बिल्कुल आई एग्री विद यू। सो गाइस देख सकते हो मैंने वॉच भी उतार दी एंड ए क्या नाम क्या बोलते हैं इसको, एयर का जो मतलब स्कार्फ वगैरह ये भी उतार दिया एंड एयर कैप भी, देन जैकेट भी। और अब रिलैक्स हो गया, सिर्फ सोने की बारी है। तो मैं फिलहाल अभी मतलब सोने की तैयारी करूँगा एंड सोने से पहले आपको एक छोटी सी मतलब छोटा सा एक और क्लिप और दिखाएंगे एंड देन फिर अगर कल का व्लॉग होगा तो कल दिखाएंगे, बाकी एंड कर देंगे जैसे भी होगा। हाँ स्पीड का फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, सॉरी मतलब ये कर रखा मैंने सारे इसमें ना फॉर्मूले में, जब ज़्यादा मतलब मजा आता था, जब बुक में देखे थे ना क्या फॉर्मूला रट लिया या फिर फॉर्मूला याद हो गया यार यहाँ पे डिजिट दे रखी थी, ये टाइम है टाइम डाल दिया और डिस्टेंस डिस्टेंस डाल दिया अपॉन में ही इंटू करने के बाद फिर। हाँ ये बहुत अच्छा लगा था, बुक ही बुक भर रखी तुमने सारे में ये। चलो अच्छी बात है, मैंने कर दिया। मेरा बैक स्पेस है ना जो तुम्हारा बैक स्पेस में थोड़ी सही आवाज है, मेरा जो है ना थोड़ा साइलेंट सा है, क्वांटम का की है, जेब्रोनिक्स है, आरी सब बोल रहा था ये ले ले, मैंने कहा चलिए ले ले। और माउस ना माउस देखे कितना मतलब वो है क्या बोल रहे मतलब एक तरीके से कितना प्यारा है, क्लिक भी कितनी अच्छी हो रही। बस एक चेयर और मिल जाना मुझे, एक चेयर लेगा नहीं थोड़ा सा हिसाब सा हो जाना फिर बैठने के लिए। हाँ कुछ भी मिस मतलब इन फ्यूचर या इन लाइफ कुछ भी मिस ना हो जाए, सामान पूरा जरूर होना चाहिए। सर्दी में तो बाल कटवाने का टाइम भी नहीं लगता, हाँ नहीं टाइम भी नहीं लगता और फिर दूसरी बात मन तो करता ही नहीं। सर पे ठंड लगे ना बहुत ज्यादा, तो फिर तो कल तक ही आएंगे फिर तो सुबह। तो फिर हम किस टाइम चलेंगे, खाना हमारा किस टाइम है वहाँ पे, मैं तो सिर्फ उसी पर्पज से जा रहा सही बताऊँ तो। अभी सही भैया ब्लॉग देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। भैया मैं तो बिल्कुल सही बताऊँ ना, रियलिटी है देखो झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं
पहली बात तो टाइम ही पता नहीं कैसे निकाल गया। हाँ तो खाना वाना खाने के मतलब बस वही है नॉर्मली। अभिषेक भैया आप लोग देख रहे होंगे तो अभिषेक भैया नमस्ते आपको। अभी आपके शादी में मिलेंगे फिर आपसे, है नहीं सावन भैया के बाद शादी के बाद। हाँ बस खाना वाना खाने के बाद ना और बाहर का फास्ट फूड खाने के बाद तो ये रहा, जल्दी से सो जा नींद आने लगे। या नहीं भैया मतलब LCD लेके आए वो भी खराब होगी, वो चेंज कर दी। फिर TV लेके आए वो चेंज कर दिया। अब एक TV तो खराब दुकान पे है, वो बेचारा रोज पूछे मिस्त्री बंटी अंकल के पापा से पूछे कि भैया इसे या तो तुम मुझे सेल कर दो या फिर एक बात बताओ ठीक करवा लो। पापा कह रहे भैया अभी मेरा टाइम नहीं लग रहा, अभी तुझे ऐसे ही रख ले ठीक है। उसके बाद में फिर एक TV मील में चालू है, मतलब दादी जी के टाइम पे एक TV उधर उनका खराब पड़ा। TV भी है तो पर मन नहीं करता, कोई देखता ही नहीं, पापा को टाइम नहीं मिलता। और फिर आप तुम्हारे यहाँ तो तुम तो देख लो जैसे, पर मतलब घर पे वहाँ किसी को टाइम नहीं मिलता। आप अपने अपने फोन में बिजी रहे हैं, मेरा फोन सारे दिन घर पे रखा रहा है, मम्मी जी चला ले मैं बाहर रहूँ। ज़्यादातर मैं अपने काम में लगा रहूँगा, तो फिर टाइपिंग वगैरह मैं फिर वैसे स्टडी में। सो गाइस कैसे लगी मेरी बात आपको? मौसी का चश्मा रह गया अभी यहाँ पे, उनका बरबीन मौसी जी का ये रहा रेड था उनका ये, पर मैं तो लगा रही थी। चलो अच्छी बात है। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश में रखूंगा सोनिया। सो गाइस तुम्हारा भाई अभी इधर सोने वाला है एंड देख सकते हो भाई बिछोने वगैरह सब कुछ तैयार है और बस क्या बोलते हैं उसको, हाँ सोने की तैयारी है। तो बस मैं बोल रहा था यार देखो सोने से पहले आपको सब दिखाऊंगा, क्योंकि यार बहुत दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट करा है एंड मतलब मन तो ये कर रहा है कि अभी एंड ही ना करूं, फिर भी जैसे भी होगा दिखाता रहूंगा आपको एंड तक, आप बिल्कुल फ्री रहना। एंड यार देखो इस मतलब ये जो टाइमिंग चल रही है इस जगह बताना कि क्लियरिटी कैसी आ रही है, क्योंकि मेरे ऊपर अभी ब्लॉग है और मतलब बिल्कुल कहने का मतलब ये मैं इसके पास ही खड़ा हूँ तो क्लियरिटी अच्छी आ रही होगी। एंड ये कुलदीप भाई के कंप्यूटर के मतलब स्क्रीन वगैरह खराब होगी तो उन्होंने चेंज करा है, मैं आपको बताऊँ क्या बोलते सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भैया। और ये है हीटर जो कि सर्दी में बहुत ही ज़्यादा मतलब जरूरत होती है। एंड ये कुछ मैं अपने मतलब कपड़े वगैरह लेकर आया हूँ जो कल मतलब रिसेप्शन पे पहन के जाने हैं। एंड ये पैकिंग है बैग वगैरह यार, अभी आप फिलहाल देख सकते हैं मतलब मैं लेट चुका हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है यार। मैं एक मिनट आपको टाइम देख के बताता हूँ, अब मतलब ये अभी बज के 9:45 हो रही है एंड यार बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो फिलहाल अब सोने के बाद क्या ही व्लॉग बनाऊंगा, तो इससे पहले आपने जितना देख लिया अच्छी बात है गाइस। आई होप आपने फुल व्लॉग को वॉच करा होगा, क्योंकि यार मैंने बहुत दिन बाद व्लॉग स्टार्ट करा था और अभी फ़िलहाल मैं सो रहा हूँ। बाकी अगर कल कुछ प्लान हुआ व्लॉग का तो कल आपको दिखाऊंगा, बाकी नहीं तो ये वाला व्लॉग तो अपलोड हो ही जाएगा 2-4 दिन बाद। तो गाइस टेक केयर, टाटा सी यू, अपना ख्याल रखना एंड गाइस अभी तो फिलहाल गुड नाइट अभी के लिए।